यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में जयराम सरकार के चार महीने बीत जाने के बाद कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी राज में शांत हिमाचल अशांत हो गया है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का कहना भी सही है, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल लगातार खबरों में बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। किसानी गोलीकांड को लेकर किरकिरी झेल रही हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार का पिछले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देखा जाए तो बेहतर नहीं है। हालांकि खुद सीएम जयराम ठाकुर कसौली जैसी समस्याओं के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों को दोषी मान रहे हैं। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम रही है। लगातार हिमाचल का खबरों में बने रहने के बाद से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार को सत्ता में आए 100 दिन से अधिक समय हो चुका है और सरकार की यही उपलब्धि है कि 100 दिनों में प्रदेश में 25 हत्याएं और 75 रेप के मामले दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक खुद सीएम जयराम के चुनावी हलके में भी लगातार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। यही वजह है कि अब विपक्षी दल कांग्रेस सड़क से लेकर राजभवन तक प्रदेश के बिगड़ते हालात पर सरकार को घेर रहा है और इससे हिमाचल प्रदेश का नाम खराब हुआ है पूरे देश के अंदर, जो एक शांति प्रिय राज्य के रूप में हमारी पहचान है। आज पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात में बहुत गुस्सा है। जिस प्रकार से सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को डील किया, ये अपने आप में सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आज, वो अपने आप में बहुत ग्रिम है, जिसमें 50 से अधिक मामले जो है रेप के दर्ज हो चुके हैं और 25 से अधिक मामले जो है मर्डर के हो चुके हैं। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लोगों को और हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात है। वहीं हिमाचल में पर्यटक भी आने से कतराने लगे हैं, जिसके चलते पर्यटन के पीक सीजन में भी ज्यादातर होटल खाली नजर आ रहे हैं। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन से कुछ गलतियां हुई हैं। वहां एडजॉइनिंग बिल्डिंग में ऑपरेशन चल रहा था उसके डिमोलिशन का, पुलिस फोर्स वहां उस दूसरे जो मकान जिसकी डिमोलिशन हो रही थी वहां सारी वही उस वक्त थी। थोड़ी सी ये हो गई कि ये घटना थोड़ा दूसरी बिल्डिंग में घटित हुई और उस वक्त वहाँ पर मौके पर जो है हम पुलिस बल को जो है जितना चुस्ती के साथ और जल्दी पहुँचना चाहिए था उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई और उस त्रुटि के परिणाम स्वरूप जो है वो जो दोषी है वो इस घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से भाग निकला। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि भागा लेकिन पकड़ा भी गया, पिछले कल उनको पकड़ लिया गया। और जहाँ तक इस सारी घटना में एहतियात के तौर पर कुछ चीज़ें पहले जो करने की ज़रूरी थी वो उस स्तर पर नहीं हुई जिस स्तर पर करनी चाहिए थी। लेकिन फिर कभी ऐसा घटनाक्रम सामने ना आए इस बाबत अवैध निर्माण और कब्जे हटाने के लिए तय मानकों को ध्यान में रखकर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों को भी कसूरवार ठहराया है। उनकी माने तो कई सालों से अवैध निर्माण कार्य सरकारी विभागों की नाक तले ही चल रहे हैं। अब ये तो साफ है कि जयराम सरकार को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने बीजेपी के सामने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यकाल के 100 दिनों में प्रदेश के भीतर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, जिसके चलते हर जिले में भय का वातावरण है। वहीं जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि सुशासन देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से लेकर प्रदेश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।